असलम डियर स्टूडेंट्स आज हम स्टडी करने जा रहे हैं साइटोप्लाज एक टिपिकल सेल के अंदर देखा जाए यहाँ पर एक टिपिकल आपको यूक्रियोटिक सेल नजर आ रहा है सेल में के अंदर जो भी आपको सारी सब्सटेंस नज़र आ रही है जो कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मौजूद है इसको हम साइटोप्लाज्म का नाम दे देते हैं लिविंग कॉन्टेंट ऑफ द यू सेल आर डिवाइडेड इंटू न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म यूक्रोडिक सेल के लिविंग कंटेंट को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है न्यूक्लियस और इसके सराउंडिंग साइटोप्लाज्म में दू कलेक्टिवली फॉर्म प्रोटोप्लाज्म न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म इसको हम प्रोटोप्लाज्म का नाम दे देते हैं तो प्रोटोप्लाज्म क्या है यूक्रोटिक सेल का लिविंग कंटेंट उसको हम प्रोटोप्लाज्म बोल देते हैं अब साइटोप्लाज्म की बात करें तो साइटोप्लाज्म कंसिस्ट्स ऑफ एन एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस कंटेनिंग अ वैरायटी ऑफ सेल ऑर्गेनल्स एंड अदर इनक्ल्यूजन्स सच एज इनसॉल्युबल वेस्ट्स एंड स्टोरेज प्रोडक्ट्स मेनली साइटोप्लाज्म एक्वस मीडियम के ऊपर मुश्तमिल होता है जिसके अंदर कई सारी वैरायटी के सेल ऑर्गेनल्स यानी कि कई अकसाम के सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं जिनका अभी जिक्र भी करेंगे इनके अलावा कुछ दूसरी सब्सटेंसेस भी साइटोप्लाज्म के अंदर इंक्लूडेड हैं या शामिल हैं जिनमें इन वेस्ट मटेरियल भी पाया जाता है और कुछ यूजफुल स्टोरेज प्रोडक्ट्स भी पाए जाते हैं सॉलेबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म इज़ कॉल्ड साइटोसोल साइटोसोल का जो हिस्सा हमें सोलेबल फॉर्म में नज़र आता है उसको हम साइटोसोल का नाम दे देते हैं इट फॉर्म्स ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर जो मेजर मीडियम है मेजर सब्सटेंस है, वो साइटोसोल की सूरत में मौजूद है। साइटोसोल की केमिकल कंपोजिशन की बात करेंगे केमिकली इट इज अबाउट 90% परसेंट ऑफ वाटर, नाइंटी परसेंट तक साइटोसोल के अंदर वाटर मौजूद है जो कि अभी हमने डिस्कस कर लिया था कि एक्वस मीडियम है साइटोप्लाज्म का इट फॉर्म्स अ अल्यूशन कंटेनिंग ऑल द फंडामेंटल मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ इन साइटोसोल स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड आइंस मे फॉर्म ट्रू सल्यूशन एंड सम लार्ज मॉलिक्यूल्स फॉर्म क्लोइडल सलोशंस साइटसोल में हमने पढ़ा कि नाइन्टी परसेंट तक वहाँ पर वाटर मौजूद हैं और इस एक्वस इन्वायरमेंट में तमाम फंडामेंटल तमाम बुनियादी मॉलिक्यूल्स लाइफ के मौजूद होते हैं इसी हिस्से में कुछ छोटे मॉलिक्यूल्स और कुछ आयनिक सब्सटेंसेस, कुछ सॉल्ट्स जो कि वाटर के अंदर पूरी तरह हल हो जाती हैं ये बनाएंगी अपने ट्रू सॉल्यूशंस। जैसा कि ग्लास में पानी डाल के आप उसमें सॉल्ट मिक्स कर लें आप उसमें शुगर मिक्स कर लें डिसॉल्व कर लें तो क्या बनेगा ट्रू सॉल्यूशन बनेगा और जबकि साइटोसोल में कुछ लार्ज मॉलिक्यूल्स जो हैं जो कि वहाँ पर सोलेबल नहीं है पानी में पूरी तरह वो बनाएंगे अपने क्लोइडल सॉल्यूशंस। क्लोइडल सॉल्यूशंस में भी आ सोल क्लोइडल सॉल्यूशन फर्दर कैसे बनते हैं पहले मैं आपको दोबारा बता दूं कि लार्जर मॉलिक्यूल्स जो कि वाटर के अंदर डिजॉल्व नहीं हो सकते वो वाटर को एम्बाइब ज़रूर कर सकते हैं वाटर को एब्ज़ॉर्ब ज़रूर कर सकते हैं लेकिन वाटर के अंदर वो हल नहीं होते तो ऐसे मॉलिक्यूल्स क्या बनाएंगे क्लोइडल सॉल्यूशंस बनाएंगे ट्रू सॉल्यूशंस नहीं बनाएंगे क्लोइडल सॉल्यूशन फ़र्दर एक सोल की सूरत में होगा जो कि नॉन विस्कस पार्ट है यानी कि कम गाढ़ा हिस्सा है क्लोइडल सोलूशन का उसको हम सोल का नाम दे देंगे और आज जेल विस्कस हिस्सा गाढ़ा हिस्सा क्लोइडल सोलूशन का जो बनेगा उसको हम जेल का नाम दे देंगे पेरीफ्रल पार्ट्स ऑफ दी सेल आर ऑफन लाइक अ जेल तो सेल्स के बाउंड्री पार्ट्स किस सूरत में होते हैं अमूमन वहाँ पर जो साइटोप्लाज्म है वो जेल की सूरत में होता है जैसे कि इस टिपिकल प्लांट सेल के अंदर आपको बाउंड्री के ऊपर स्पेसिफिकली एक लाइन नज़र आ रही है जहाँ पर जेल या विस्कस मटेरियल मौजूद है इसके साइटोप्लाज्म का जबकि इसके अंदर वाली साइड पर जहाँ पर आपको ब्लैक एरोस मूविंग फॉर्म में नज़र आ रही हैं वो हिस्सा यहाँ पर सोल का है जो कि नॉन विस्कस पार्ट है क्लोइडल सॉल्यूशन का साइटोप्लाज्म के अंदर देन यहाँ तक हो गया हमारा क्लियर नेक्स्ट मूव करेंगे फंक्शंस क्या हैं साइटोप्लाज्म के मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म इज टू एक्ट एज़ अ स्टोर हाउस ऑफ वाइटल केमिकल्स ज़्यादातर जो केमिकल्स हैं ख़ास तौर पर वाइटल या ज़रूरी केमिकल्स जो होते हैं सेल के उनको साइटोप्लाज्म अपने अंदर स्टोर करने का काम करता है इट इज़ आल्सो साइट फॉर सर्टेन मेटाबोलिक प्रोसेस सच एज ग्लाइकोलाइसिस इसके अलावा कुछ केमिकल या कुछ मेटाबॉलिक प्रोसेस जो हैं वो में होते हैं फॉर एग्जाम्पल ग्लाइकोलाइसिस मीन ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज ये प्रोसेस साइटोप्लाज्म के अंदर होता है इन लिविंग सेल्स साइटोप्लाज्म कोटेन्वरल सेल ऑर्गेनज सच एज एंडोप्लाजमिक रेटिक्यूलम माइटोकॉन्ड्रिया गोल्जी कम्प्लेक्स न्यूक्लियस प्लास्टेड्स राइबोसोम्स, लाइजोसोम्स एंड सेंड्रियोल्स लिविंग सेल्स के अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर कई सेल ऑर्गेनल्स जो हैं वो सस्पेंडेड या फ्लोटिंग फॉर्म में नज़र आते हैं जिनका भी हमने जिक्र किया फ्री फ्लोटिंग सेल ऑर्गेनल्स फॉर एग्जाम्पल माइटोकॉन्ड्रिया मूव अबाउट इन साइडोप्लाज्म ड्यू टू साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट कुछ सेल ऑर्गेनल्स साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली फ्लॉट कर सकते हैं फ्रीली मूव कर सकते हैं फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट भी जो है वो साइटोप्लाज्म की स्ट्रीमिंग मूवमेंट की वजह से इसके अंदर मूव करता है दिस इज एन एक्टिव मैस मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म स्ट्रीमिंग मूवमेंट के बारे में बता रहे हैं साइटोप्लाज्म जब एक्टिवली बल्क मूवमेंट अपनी शो करता है उस मूवमेंट को हम स्ट्रीमिंग मूवमेंट कह सकते हैं स्पेसिफिकली इस डायग्राम में आप लोगों को साइटोप्लाज्म की स्ट्रीमिंग मूवमेंट जो है ऊपर वाले डायग्राम में देखा जाए तो अमीबॉय सेल को लिया गया है एक एनिमल सेल को प्रेजेंट करने के लिए एरोज आप लोगों को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करते हुए नज़र आ रही हैं जो कि साइटोप्लाज्म की स्ट्रीमिंग मूवमेंट को शो कर रही हैं जबकि नीचे वाले डायग्राम के अंदर जो कि हमने पहले भी पीछे ऑब्जर्व कर ली थी यहाँ पर आप लोगों को प्लांट सेल्स के अंदर सराउंडिंग दैक्यूल जो सोल वाला हिस्सा है वो एरो वहाँ के वहाँ पर मूव कर रहे हैं जो साइटोप्लाज्म की स्ट्रीमिंग मूवमेंट को शो कर रहे हैं तो स्ट्रीमिंग मूवमेंट है क्या इनफैक्ट साइटोप्लाज्म की एक्टिव मूवमेंट को हम स्ट्रीमिंग मूवमेंट का नाम दे देते हैं कुछ एनिमल सेल्स के अंदर जो स्ट्रीमिंग मूवमेंट है वो पूरे एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को मूव करवाने के लिए यूज़ होती हैं जबकि कुछ प्लांट सेल्स जो हैं वहाँ पर स्ट्रीमिंग मूवमेंट उनके क्लोरोप्लास्ट्स को दुरुस्त ओरिएंटेशन देने के लिए हो सकती है आई होप सो आप लोगों को समझ आ गया यहाँ तक देन हमने एंड में एक और भी बात की थी कि साइटोप्लाज्म के अंदर कई सेल ऑर्गेनज जो हैं वो सस्पेंडेड या फ्लोटिंग फॉर्म में मौजूद होते हैं तो टिपिकली यहाँ पर एक प्लांट सेल कंपैरेटिवली एक एनिमल सेल ले लिया गया है जहाँ पर आपको साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस है राइबोसोम्स हैं माइटोकॉन्ड्रिया है वैक्यूल्स हैं बहुत सारे जो ऑर्गेनल्स हैं वो आपको साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद नज़र आ रहे हैं छोटा सा टॉपिक था हमारा साइटोप्लाज्म आई होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा अगर आप लोगों को कोई डिफ़िकल्टी से रेलिवेंट लगे तो ज़रूर शेयर कीजिएगा अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़